देश में भले ही मोदी की लहर हो लेकिन समाजवादी की लहर आजमगढ़ में थी। इसका असर यह हुआ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगभग 2.5 लाख से अधिक मतों से यहां से विजयी होके गए। आज अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में रहेंगे, लोगों का आभार प्रदर्शन करेंगे, धन्यवाद देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संग्राम यादव जी यहां वर्तमान में विधायक है, पूर्व मंत्री वसीम भाई है। क्या है खास तैयारी? पूरा आजमगढ़ का छात्र, नौजवान, किसान, मुसलमान, हर वर्ग, हर समाज के लोग जिन्होंने लगातार मेहनत करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताने का काम किया, आज गाँव से निकल कर करके वो आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ वो माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करेंगे और माननीय अखिलेश जी उनका आभार प्रकट करेंगे, वहीं देश की आगे की रणनीति क्या हो, आगे के दिनों में राजनीति किस रास्ते पर जाए, उसको लेकर के लोगों के मन में बहुत उत्साह है। लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन की बहुत धैर्यता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चूंकि पूर्व मंत्री रहे हैं, माना जाता है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है लगातार, इसके पहले खुद नेताजी यहाँ के सांसद रहे हैं, बलराम यादव जी सांसद रहे, क्या फार्मूला है यहाँ समाजवादी गढ़ बनने के पीछे, क्या कहानी है? ये शुरू से चौधरी चरण सिंह जी थे तो उन्होंने कहा था हम बागपत छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ नहीं। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था हमारा शरीर अगर जो इटावा है तो दिल आजमगढ़ है, उसी को लेकर के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और वही समझ के यहाँ के लोगों ने जो दुलार प्यार जो दिया था किसान मजदूरों ने, आज से नहीं, आज 50 साल से, जब से आज़ादी के बाद से यहाँ पर समाजवादियों का गढ़ रहा है, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी जो जीते हैं और उनको यहाँ के लोगों ने जिता करके भेजने का काम किया है और अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया कि ये आजमगढ़ हमारा है और हमारा रहेगा, हमारा रहेगा। ये समाजवादी पार्टी के वो लोग थे जो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के नींव, इन्होंने कहा कि आजमगढ़ को दूसरा बागपत माना जाता है, कारण भी उसका साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ लगभग 2.5 लाख मतों से चुनाव जीत के संसद में पहुँच गए हैं। सहयोगी सारी के साथ रजनीश पांडे, नेशनल वॉइस, आजमगढ़।